हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रोन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रोन किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। हिस्टोलॉजिकली हर किडनी लगभग 1 मिलियन ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रोन की बनी होती है। टाइप्स ऑफ नेफ्रोन, मेनली किडनी में इनकी पोजीशन या लोकेशन के बेसिस पर दो मेन टाइप के नेफ्रोन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है कॉर्टिकल नेफ्रोन और सेकंड होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले टाइप के जो नेफ्रोन हैं वो कॉर्टिकली नेफ्रोन है। ये वाले जो नेफ्रोन हैं ये कॉर्टिकल नेफ्रोन है और 85% टोटल नेफ्रोन में से कॉर्टिकल नेफ्रोन टोटल नेफ्रोन में से 85% कॉर्टिकल नेफ्रोन होते हैं और जो 15% है वो कैसे होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलरी नेफ्रोन होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये है कॉर्टिकल नेफ्रोन। जो कॉर्टिकल नेफ्रोन हैं इनका मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा पार्ट इसका कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन होते हैं वो कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रोन इसका स्मॉल पोर्शन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है हैंडले लूप, तो इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट ही मेड्यूला के अंदर पेनिट्रेट करता है, बाकी पूरा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं और इसका जो हैंडले लूप है वो डीपली पेनिट्रेट करता है मेड्यूला में। और इसके कंपैरिजन में कॉर्टिकल नेफ्रोन के हैंडले लूप के कंपैरिजन में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन का हैंडले लूप कैसा होता है, लॉन्ग होता है। और कॉर्टिकल नेफ्रोन जो होते हैं नॉर्मल कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, और जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन होते हैं जब वाटर की स्कैर्सिटी होती है तो ये वाटर रिटेंशन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रोन की। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रोन, एक नेफ्रोन के अंदर मेनली 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आपको ये रीनल कैप्सूल दिख रहा है। ये जो रीनल कैप्सूल है, ये रीनल कैप्सूल दो चीजों से मिलकर बना है, बॉमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। यहाँ ब्लू कलर के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है बॉमेंस कैप्सूल और इसके अंदर ये जो रेड कलर में है इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो रीनल कॉर्पसल्स है इसको हम मेल्पिजिन कॉर्पसल भी कह सकते हैं और ये बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बोमन्स कैप्सूल के बारे में, ये ब्लू वाला पार्ट। बोमन्स कैप्सूल ये नेफ्रोन का फ्री एंड होता है और ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये नेफ्रोन का फ्री एंड है जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसे हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। इसमें दो लेयर प्रेजेंट होती है, एक होती है विसरल लेयर और एक होती है पेराइटल लेयर। अब आपको ये जो इसकी अंदर वाली लेयर है, ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं विसरल लेयर और ये जो इसकी बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं पेराइटल लेयर। तो दो लेयर प्रेजेंट हो गई, एक पेराइटल लेयर और एक है विसरल लेयर। विसरल लेयर अंदर वाली लेयर होती है और पेराइटल लेयर बाहर वाली लेयर होती है। इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस होता है वो नेफ्रोनिक ट्यूबुल्स, ये जो नेफ्रोनिक ट्यूबुल्स है पूरी इसके ल्यूमन के कांटेक्ट में रहता है। देखो ये जो स्पेस है ये किसके साथ कंटिन्यू कर रहा है, ये इस ल्यूमन में, किसकी, ट्यूबुल्स की ल्यूमन में। ये लेयर्स सिंगल सेल्ड होती है, दोनों विसरल और पेराइटल लेयर सिंगल सेल्स होती है और स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। अब इनके अंदर जो विसरल लेयर की एपिथीलियम होती है, विसरल लेयर कौन सी, अंदर वाली लेयर, इसकी जो एपिथीलियम होती है इसमें स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। वो पोडोसाइट सेल्स जो होती है वो ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इसको हमने क्या बोला था, बोमेंस कैप्सूल, और इसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस, और इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला है, रीनल कॉर्पसल्स या मेल्पिजिन कॉर्पसल्स। तो हम बात करते हैं हम ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि बोमन्स कैप्सूल की आउटर कैविटी में प्रेजेंट होता है। देखिए ये बोमन्स कैप्सूल है
और ये जो इसका ब्लैंक पार्ट जो कैविटी है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होती है। अब ये ग्लोमेरुलस बनता कैसे है, तो आप यहाँ देखिए ये जो बॉमेंस कैप्सूल था, इस बॉमेंस कैप्सूल की जो ये कैविटी थी, इस कैविटी में ही ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। तो यहाँ देखो आपको ये दिख रहा है एफरेंट आर्टेरियोल और ये दिखती है इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल होती है जिसको अब यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं कि ये जो कैपिलरीज होती है बनती कैसे, तो जो एफरेंट रीनल आर्टेरियोल होती है ये वाले जो आर्टेरियोल है इसकी ब्रांचिंग से क्या बनी है, ग्लोमेरुलस बना है यहाँ पर। तो एफरेंट रीनल आर्टेरियोल की ब्रांचिंग होती है उस कारण ये कैपिलरीज बनाती है और जो कि नेफ्रोन को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये कैपिलरीज वापस ज्वाइन हो जाती हैं और ज्वाइन होने के बाद में ये क्या बना देती है, इफरेंट आर्टेरियोल बना देती हैं। ये इफरेंट आर्टेरियोल इस कैविटी से, ग्लोमेरुलर कैविटी से बाहर की तरफ जाती है और जबकि एफरेंट आर्टेरियोल इसके अंदर की तरफ आती है। ओके, तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और फिर जब ब्लड छन जाता है तो उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट फिर कहाँ चला जाता है, इस ल्यूमन में आ जाता है। ओके, सबसे पहले तो वो ये बॉमेंस कैप्सूल की ल्यूमन में आएगा और फिर वो इधर की तरफ आगे बढ़ता जाता है और जो छनता नहीं है वो पार्ट कहाँ चला जाता है, इफरेंट आर्टेरियोल में चला जाता है। ओके, तो जो रीनल कॉर्पसल्स हैं, ये जो आपको रीनल कॉर्पसल दिख रहा है, ये रीनल कॉर्पसल का मेन फंक्शन क्या होता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट को प्रोड्यूस करता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, जब ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन की। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये पार्ट तो अपना क्या हुआ, रीनल कॉर्पसल्स का मेन रोल तो क्या हो गया, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, उसमें हमने ये इन सब पार्ट को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में फर्स्ट नेफ्रोन का जो फर्स्ट पार्ट था वो था रीनल कॉर्पसल। सेकंड पार्ट आता है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं, अब ये देख रहे हैं आप ये कुंडलित पार्ट है, कॉन्वोलेटेड पार्ट है और ये इस पार्ट के जस्ट पास में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं, मतलब जो पार्ट बॉमेंस कैप्सूल के पास में प्रेजेंट है इसीलिए हमने इसको नाम दिया है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब समीपस्थ, इसके पास में, बॉमेंस कैप्सूल के पास में प्रेजेंट है, और कुंडलित है या कॉइल्ड है इसीलिए हमने इसको नाम दिया कॉन्वोलेटेड, और ट्यूब फॉर्म में इसे बोलते हैं ट्यूबुल, इसीलिए इसका नाम पड़ा है PCT। ये देख सकते हैं आप PCT मतलब प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्यों, क्योंकि ये इसके बॉमेंस कैप्सूल के पास में प्रेजेंट है। कॉन्वोलेटेड क्यों, क्योंकि ये कॉइल्ड है। ट्यूबुल ट्यूब फॉर्म में है इसलिए इसका नाम दिया है ट्यूबुल, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। ये कहाँ ओपन होती है, हेनले लूप में ओपन हो रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि स्टार्ट तो यहाँ से होती है और ओपन कहाँ होती है, ये हेनले लूप में ओपन होती है। PCT का मेन फंक्शन क्या होता है, ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाती है सब्सटेंसेस का। अब किन किन सब्सटेंसेस का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज, सोडियम, एमिनो एसिड्स और वाटर। ये जो ट्यूबुलर ल्यूमन है, इस ट्यूबुलर ल्यूमन से रीअब्जॉर्प्शन किस किस का होता है, ग्लूकोज, सोडियम एंड एमिनो एसिड और वाटर का होता है। PCT के अंदर ब्रश बॉर्डर बहुत ज़्यादा होता है, PCT में ब्रश बॉर्डर ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होने में सहायता मिलती है। तो ये तो अपना PCT के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि PCT का कुछ पार्ट जो होता है, पोस्टीरियर पार्ट, वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से तो लूप ऑफ हेनले स्टार्ट है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है यहाँ पर स्ट्रेट है PCT का। तो स्मॉल पोस्टीरियर पार्ट है PCT का जो स्ट्रेट है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्स रेक्टा। इसका नाम क्या होता है, पार्स रेक्टा। और यहाँ से फिर हेनले लूप स्टार्ट हो जाता है, ये पोर्शन पूरा हेनले लूप का स्टार्ट हो जाता है। हेनले लूप क्या है, नेफ्रोनिक ट्यूबुल का एक लॉन्ग लूप होता है
और ये पार्स रेक्टा का, ये जो पार्स रेक्टा है, इसी पार्स रेक्टा का पोस्टीरियर इलोंगेशन जो है वो क्या है, हेनले लूप बना रहा है। हेनले लूप में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा होता है असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसके भी दो पार्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पार्ट तो थिक पार्ट हुआ डिसेंडिंग का और ये थिन पार्ट हुआ। उसी टाइप से असेंडिंग लिम्ब के भी दो पार्ट हुए, ये थिन पार्ट होता है और ये थिक पार्ट होता है। हम सबसे पहले डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है ये डाउनवर्डली जा रही है, देखो यहाँ जो फ्लूड का मूवमेंट होगा वो डाउनवर्डली होगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि इसमें ट्यूबुलर फ्लूड या फिल्ट्रेट जो होता है वो नीचे की तरफ आता है। ये बहुत थिन होती है और वाटर के लिए परमिएबल होती है। ओके, इसमें माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर एब्सेंट होते हैं और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इस डिसेंडिंग लिम्ब में कम होते हैं। ओके, अब बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब की। असेंडिंग लिम्ब को असेंडिंग लिम्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहाँ फिल्ट्रेट का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था इसलिए इसे डिसेंडिंग लिम्ब बोला, और यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है इसीलिए हम इसे असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। ये थिक होती है, ये डिसेंडिंग लिम्ब क्या थी, ये थिन होती है और असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो थिक होती है। इस डायग्राम में आपको क्लियर नहीं दिखाया गया है, लेकिन जब आप कई दूसरे डायग्राम में देखोगे तो ये पार्ट आपको क्या नज़र आता है, थिक नज़र आता है और ये थिन नज़र आता है। तो ये थिक असेंडिंग लिम्ब जो होती है इसका मेन क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये इसकी कंपैरिजन में थिन होती है, इसके कंपैरिजन में थिक होती है और वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, जबकि ये वाली वाटर के लिए परमिएबल होती है। तो जो असेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए क्या हो गई है, इम्परमिएबल, क्योंकि ये थिक है। इसमें माइक्रोविलाई नहीं होते हैं, असेंडिंग लिम्ब में माइक्रोविलाई एब्सेंट होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डिसेंडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। इन दोनों लिम्ब में जो फ्लूड का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। यहाँ देखो आप फ्लूड डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो दोनों में फ्लूड का डायरेक्शन अपोजिट होता है। और इस टाइप से ये दो ब्लड कैपिलरीज के साथ में एक सिस्टम बना देती हैं। ये देखो आप यहाँ पर आपको ये ब्लड कैपिलरीज दिख रही है, तो ये दोनों लिम्ब इन ब्लड कैपिलरीज के साथ में एक सिस्टम बनाती हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं काउंटर करेंट सिस्टम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में डिफरेंस क्या होता है, तो डिसेंडिंग लिम्ब बहुत थिन होती है और असेंडिंग लिम्ब थिक होती है। इसमें फ्लूड का जो फ्लो होता है उसका डायरेक्शन कैसा रहता है, डाउनवर्ड, और इसमें रहता है अपवर्ड। ये वाटर के लिए परमिएबल होती है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। इसमें सेल्स जो होती है वो फ्लैट और स्क्वेमस टाइप की होती है, इसमें क्यूबॉइडल टाइप की होती है। इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं और इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर, तो हमने यहाँ पर पहला डिस्कस किया था रीनल कॉर्पसल, सेकंड हमने डिस्कस किया था PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, और थर्ड हमने डिस्कस किया है यहाँ पर हेनले लूप। अब हम बात करते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल की। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल ये नेफ्रोनिक ट्यूबुल का लास्ट पोर्शन होता है और असेंडिंग लिम्ब जो ये है इसका पोस्टीरियर इलोंगेशन क्या है, DCT है। अब इसका नाम DCT क्यों पड़ा है, डिस्टल मतलब होता है दूरस्थ, ये बॉमेंस कैप्सूल से दूर प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम रखा है डिस्टल। कॉन्वोलेटेड क्योंकि ये कॉइल्ड है, ट्यूबुल क्योंकि ये ट्यूब फॉर्म में है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, और ये असेंडिंग लिम्ब का पोस्टीरियर इलोंगेशन होता है। डीसीटी, अब जब डीसीटी का वो पार्ट जो कि इसके कॉन्टैक्ट में आता है, मतलब बॉमेंस कैप्सूल में डीसीटी का जो पार्ट बॉमेंस कैप्सूल के कॉन्टैक्ट में आता है, वहाँ पर एक मैक्यूलर डेंसा प्रेजेंट होता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट रीनल कॉर्पसल्स पढ़ा, सेकंड PCT पढ़ा, थर्ड हमने हेनले लूप पढ़ा और फोर्थ हमने DCT पढ़ा। अब एक फिफ्थ पार्ट होता है इसमें कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट एक बड़ी डक्ट होती है
जो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट को रिसीव करती हैं। दिख रहा है आपको, ये तो हो गई कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ से आपको ये जो चीज़ है, यहाँ क्या है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिंग ट्यूबुल। तो हर नेफ्रॉन का जो डीसीटी वाला पार्ट है वो यहाँ पर आकर ओपन होगा, वो क्या लेकर के आएगा, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट को लेकर के आएगा। तो ये एक बड़ी डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट क्या है, एक लार्ज डक्ट है जो कि बहुत सारे नेफ्रॉन से, ये तो अभी हमने एक नेफ्रॉन पढ़ा है जो यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूबुल में खुलता है, और दूसरा नेफ्रॉन यहाँ खुलेगा, फिर यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, यहाँ, तो इस टाइप से बहुत सारे नेफ्रॉन जो हैं वो कलेक्टिंग ट्यूबुल के थ्रू कहाँ खुलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट वास्तव में नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत सारे नेफ्रॉन का कॉमन पार्ट होती है। कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स जो होती है लार्ज कॉलमनार सेल्स होती है, इसमें ब्रश बॉर्डर नहीं होता है। कलेक्टिंग डक्ट की कुछ सेल्स जो होती हैं, ये जो कलेक्टिंग डक्ट आप देख रहे हैं, इसकी कुछ सेल्स जो होती है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो उन सेल्स को हम बोलते हैं डार्क सेल्स। और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो डक्ट ऑफ बेलिनी में ओपन होती है, और ये डक्ट ऑफ बेलिनी होती है वो रीनल पिरामिड्स में ओपन होते हैं। क्लियर? तो ये हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेफ्रॉन के दो मेजर पोर्शन होते हैं, रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूबुल। रीनल कॉर्पसल्स को हम मैल्पिजन बॉडी भी कहते हैं, जो यहाँ आपको दिखाया गया है, ये रीनल कॉर्पसल है, इसको मैल्पिजन बॉडी भी कहते हैं, और इसमें दो पार्ट होते हैं, बॉमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये बॉमेंस कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है यहाँ पर रीनल ट्यूबुल। ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा कहलाता है रीनल ट्यूबुल। फर्स्ट रीनल कॉर्पसल्स, ये ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस जो हमने पढ़ा था कि बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, रीनल कॉर्पसल्स और मेल्पिजन बॉडी बनाते हैं। तो एक ग्लोमेरुलस है, उसको सराउंड कौन करता है, बॉमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है, ये एफरेंट आर्टेरियल जो है वो उसकी ब्रांचिंग हो जाती है और एक नेटवर्क बनता है जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और लास्ट में फिर वो वापस से ज्वाइन होकर के एफरेंट आर्टेरियल बना देती है। एफरेंट आर्टेरियल का जो डायमीटर होता है वो एफरेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो ब्लड क्या होता है, आता ज़्यादा है और एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर कम होता है, इसलिए जितना ब्लड आता है उतना वो जा नहीं पाता है। तो द डायमीटर ऑफ द एफरेंट आर्टेरियल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द एफरेंट आर्टेरियल। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ हमने पढ़ा था बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर था, इसमें हमने दो लेयर पढ़ी थी। यहाँ पर हमने पढ़ा था ये जो लेयर है वो कहलाएगी विसरल लेयर, और ये बाहर वाली लेयर कहलाएगी पैराइटल लेयर। अब विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के अलावा एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। ये तीनों मिलकर के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती है, जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। सेकंड रीनल ट्यूबुल, जो पूरा ट्यूबुलर पार्ट है उसको हम रीनल ट्यूबुल कहते हैं। इसमें तीन पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्ट्रल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेनले रीनल मेड्यूला में, और डीसीटी जो है वो वापस रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पार्ट भी कॉर्टेक्स में है, ये पार्ट भी कॉर्टेक्स में है, और ये वाला पार्ट कहाँ पर है, मेड्यूला में है। अब आगे हम बात करते हैं पीसीटी की। पीसीटी हमने पढ़ाई है कि इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ये रीऑब्जॉर्प्शन किस किस का करती है, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स का करती है। उसके बाद हमने हेनले लूप के बारे में पढ़ा था, वो यू शेप्ड मिडिल पोर्शन होता है और इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप होते हैं। हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में भी पहले डिस्कस कर लिया था, असेंडिंग वाटर के लिए इम्परमेबल होती है और डिसेंडिंग परमिएबल होता है। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल जो DCT है वो डिस्टल पार्ट होता है और कलेक्टिंग डक्ट्स में जाकर के फिर वो ओपन होती है। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट्स में DCT डायरेक्टली ओपन नहीं होती, वो किसके थ्रू ओपन होती है, कलेक्टिंग ट्यूबुल के थ्रू ओपन होती है। ओके, और सॉरी, DCT जो है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स वो ओपन होगी कलेक्टिंग ट्यूबुल में, और कलेक्टिंग ट्यूबुल ओपन होगी कलेक्टिंग डक्ट में। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स फ्रॉम सेवरल नेफ्रॉन्स एम्प्टी इनटू अ कलेक्टिंग ट्यूबुल। यहाँ आप देख सकते हैं ये है कलेक्टिंग ट्यूबुल, और कलेक्टिंग ट्यूबुल कहाँ ओपन हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट में।
थैंक यू।